मुझे लगता है पेजेंट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ खूबसूरती है तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। काफी चीजें मैटर रखती है, आप किस तरह बात कर रहे हो, आप इस तरह बात कर रहे हो कि लोग आपको सुनना चाहे, वो इफेक्ट होना चाहिए। तो वो क्वालिटी लाना बहुत बड़ी बात है, और मैंने हर एक पेजेंट्री से काफी अलग अलग एक्सपीरियंस लिया, काफी कुछ सीखा है। मैंने अब तक जितना किया है, मैं एक एनजीओ के साथ एसोसिएटेड थी और मैंने उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है फॉर वन डे फॉर वन ऑफ द कैंसर एसोसिएशन इन इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने किया है जितना मेरे बस में है अब तक। मैं जब प्रेगनेंट थी तो उस टाइम पे मैंने भगवद गीता पढ़ा था और कई बार पढ़ा था, तो उसी से मेरे को स्ट्रेंथ मिला कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। जो आपको चाहिए, जो आपको हक की चीज है, जो भी आपके सपने हैं उसके लिए आपको बोलना चाहिए। तो इंडिया को मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब आप हैं तो ऑफकोर्स आपको अपने इंडियन लोग के आसपास दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो इंडिया का वो फील, वो हवा, वो खाना, वो पहनावा, वो कल्चर वैसा तो वहां नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। इंडिया टॉप के दर्शकों के लिए आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से रूबरू कराएंगे जो है तो इंडिया की, लेकिन विदेशों में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो है वो भारत का झंडा ऊंचा लहरा रही है, और साथ ही साथ देश की महिलाएं आज गर्व कर रही हैं। हम जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, कई सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जो कुछ भी है, क्योंकि जो खूबसूरत चेहरा मुस्कुराता हुआ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके नाम कई उपलब्धियां हैं। मिसेज इंडिया टॉप 12 में ऑस्ट्रेलिया में रही हैं, साथ ही साथ के साथ इंटरव्यू में कर रहा हूं, तो मकसद जो है वो बहुत साफ है, क्योंकि आज की तारीख में हर तरफ चर्चा हो रही है। मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ब्यूटीफुल फेस का टाइटल जो है जीती है, तो सबसे पहले बहुत स्वागत है देवलीना सरकार आपका, और हम चाहेंगे कि अपने बारे में, जो यहाँ तक आप पहुंची हैं, कैसा सफर रहा है जरा बताएं दर्शकों को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो मेरा नाम देवलीना सरकार है और मैं इंडिया में बैंगलोर से हूँ। मेरे डैड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे एंड हम हैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से, बट रहे काफ़ी जगहों पे, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, मुंबई, एंड देन फाइनली वी सेटल डाउन इन बैंगलोर। सो मैंने अपनी एजुकेशन की है मास्टर डिग्री तक। आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सिडनी एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल मॉडल इन लैक्मे ऑस्ट्रेलिया। मेरी जर्नी मोस्टली शुरू हुई है आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज भी मेरा ये ड्रीम था कि मैं मिसेज इंडिया, मिस इंडिया का ताज जीतूँ, लेकिन हुआ नहीं वो, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे कि एजुकेशन मैटर्स दी मोस्ट, जो कि सही भी है। मैंने विद टाइम सीखा कि यस, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बैकग्राउंड रहना। मैंने उस टाइम इसलिए एजुकेशन पे ध्यान दिया था और ये सब चीज़ों में नहीं कर पाई थी। देन विद टाइम आई हैव मूव टू ऑस्ट्रेलिया एंड आफ्टर डिलीवरिंग माय फर्स्ट बेबी आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर माय ओन ड्रीम। सो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी चल रहा था और उस दौरान मैंने एक एड देखा मिसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एंड मैंने अप्लाई कर दिया, दो कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इस फील्ड में, बट मैंने जस्ट सोचा कि देखते हैं क्या होता है, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा एम था मैं अपने कंट्री के लिए एक इंटरनेशनल टाइटल जीतूँ, उनके लिए एक हिस्ट्री क्रिएट करूँ। बट वो एक बहुत बड़ा स्टेप है उधर जाने के पहले, जिसको कुछ भी नहीं पता है, जिसको बैकग्राउंड में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है मॉडलिंग क्या होती है, पेजेंट्री क्या होती है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो लेना होगा। सो इसलिए मैंने जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर दिया था एंड आई गॉट द टाइटल ऑफ मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ब्यूटीफुल फेस इन 2021। और उसके बाद से कोई मतलब देर वॉज नो टर्निंग बैक, देर वॉज नो लुकिंग बैक आफ्टर देन। सो उसके बाद मुझे लैक्मे ऑस्ट्रेलिया में चांस मिला, देन एक के बाद एक काफ़ी सारे फैशन शोज किए और मोस्ट मोस्ट जो हिट था वो लैक्मे ऑस्ट्रेलिया का था, बिकॉज कोई भी मॉडलिंग बैकग्राउंड से ना आके डायरेक्टली लैक्मे के लिए चलना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो उसके बाद देन मैंने इंडिया में देखा कि मिसेज इंडिया के कॉन्टेस्ट काफ़ी हो रहे हैं आजकल, सो फिर मैंने वहाँ पे एक एक करके देखना शुरू किया। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिसर्च, आपको अच्छे से रिसर्च करना है कि कौन सा पेजेंट है जो इंटरनेशनल टाइज से अटैच रखता है, क्योंकि मेरा एम तो फाइनली वही है कि मुझे अपने कंट्री के लिए हिस्ट्री क्रिएट करना है इंटरनेशनली अपना नाम बना के। तो मैं वहाँ गई थी और एक के बाद एक मैंने लेते गई, तो मैंने एक बार मिसेज इंडिया गॉर्जियस जीता इन 2021-2022 में। देन 2023 में भी एक टाइटल जीता मिसेस टेक डीवा का। फिर अभी भी मैं एक दूसरे पेजेंट में जा रही हूँ
जो कि इंटरनेशनली मिसेज यूनिवर्स एंड मिसेज अर्थ एंड मिसेज यूनाइटेड नेशंस या वुमेन ऑफ द यूनिवर्स में भेजता है. सो या दिस वाज माय लाइफ जर्नी. ये तो मैंने आपको बहुत स्मूथली बता दिया कि हाँ ये किया है, बट इतना स्मूथ नहीं होता, स्पेशली आफ्टर मैरिज एंड व्हेन यू हैव अ किड, स्पेशली व्हेन यू हैव अ किड, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है बच्चे को देख के अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेंटेन करके एंड देन घर को देख करना। के और फिर अपने ड्रीम्स के लिए भी करना. सो हाँ, काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, बट एक चीज मैं अपने ऊपर बिल्कुल श्योर थी कि मुझे गिव अप नहीं करना है. ऐसे काफी टाइम हुए जबकि इमोशनल ब्रेकडाउन्स में और मुझे लगा कि छोड़ ही देती हूँ, नहीं होगा, बट फिर लगा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती. मैं रहूंगी ही नहीं ऐसे अगर मैंने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया. सो देयर इज नो पर्पस ऑफ लिविंग. सो मुझे ऐसा लगता है दिस एग्जिस्टेंस, दिस द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस. मजा, आपने जो बहुत शॉर्ट में बहुत स्मूथली बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ बहुत कठिन रहा। जैसा कि आपने बताया कि जितना सुनने में आसान है उतना आसान है नहीं जर्नी नहीं मेरा। है. लेकिन एक जो मन में सवाल है, मेरे मन में सवाल है कि आप लेकमी के लिए मॉडलिंग की और उसके साथ ही मिसेज इंडिया टॉप 12 में रही, और आज की तारीख में आप एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया ब्यूटीफुल फेस का टाइटल आपने अपने नाम किया है, तो आगे के बारे में क्या सोची है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जो मेरे मन में सवाल है और जो लोग देख रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि आखिर इतना कुछ हुआ है तो आगे क्या करेंगी। मुझे लगता है पेजेंट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ खूबसूरती है तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. काफी चीजें मैटर रखती है. आप किस तरह बात कर रहे हो, आप इस तरह बात कर रहे हो कि लोग आपको सुनना चाहे, वो इफेक्ट होना चाहिए. और आप कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, आप कितना लोग को इंस्पायर कर पा रहे हो. बिकॉज अगर आप एक टाइटल जीतोगे, सपोज यू आर मिस यूनिवर्स और मिसेस यूनिवर्स, तो यू विल बी समवन कि लोग आपको देखेंगे. यू विल बी समवन हु विल इंस्पायर मेनी. तो आपको उस पोजीशन में जाने के लिए खुद को उतना स्ट्रांग, उतना कॉन्फिडेंट बनाना होगा जिससे कि लोग आपसे कुछ सीखना चाहे. तो वो क्वालिटी लाना बहुत बड़ी बात है. और मैंने हर एक पेजेंट्री से काफी अलग अलग एक्सपीरियंस लिया, काफी कुछ सीखा है. और अल्टीमेटली मेरा एम है कि मैं बहुत कैंसर पेशेंट्स के एनजीओ के लिए भी करती हूँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह पे. तो मेरा एम है हर एक लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर करना कि वो क्या चीज है. बहुत लोग बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में नहीं जानते. पेजेंट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि मैं अपना वॉइस रख पाऊँ और वो हर किसी तक पहुंचे और लोग जाने कि क्या चीज है, एंड देन उसको लेके वो लोग सोचे और हेल्प करे लोगों को जो जो लोग अपने ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते कैंसर पे, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है. और काफी बहुत लोग ज्यादा हैं जो बिना बिना लिए ट्रीटमेंट लिए नहीं कर पाते कुछ, उनको भी हेल्प नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जैसे आम जनता नहीं जानती है एक्चुअल में कि वो है क्या, कितना दर्द दे रहा है, कितना पेनफुल डिजीज है वो. तो मैंने अपने घर में एक आंट को देखा था, मैं बहुत क्लोज थी उनसे बचपन में, और उनके जाने के बाद मुझे ये फील हुआ कि जब भी मैं, मेरे से फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं अपना सैलरी से थोड़ा पार्ट लेके उनको डोनेट करती हूँ. तो जब भी मेरा ये होगा आई स्टार्ट डूइंग दैट. और जब मैंने वो धीरे धीरे करना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई कैन ओपन माई ओन एनजीओ. तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे कि मैं अपना वॉइस रख पाऊँ, जहाँ पे कि लोगों को बता पाऊँ कि ये है, क्योंकि एनजीओ बेसिकली पूरे चलते डोनेशंस के ऊपर और वी ऑल नीड ईच अदर कि ये डोनेट करो एंड देन हम उनको हेल्प कर सके. तो मेरा मेन एम ये है और इसीलिए मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहती हूँ, सो दैट मेरा खुद का पहले वो बढ़े एंड देन मैं एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज रख पाऊँ जहाँ पे कि सब तक सबको पहुंचे मेरी आवाज. अच्छा एक और सवाल है, आपने इसीलिए कहा कैंसर को लेकर कहा, क्योंकि हमारे इंडिया में जब कैंसर की बात आती है तो ये सभी जगह है, लेकिन एक डरावना सा एक महसूस होता है भाई कैंसर हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई उस कैंसर को तो जो एक माहौल बना है उसको खत्म किया जाएगा, और साथ ही साथ जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए आपकी संस्था मदद भी करेगी, तो इंडिया के लोग आपसे क्या उम्मीद करें? मैंने अब तक जितना किया है, मैं एक एनजीओ के साथ एसोसिएटेड थी और मैंने उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है फॉर वन डे फॉर वन ऑफ द कैंसर एसोसिएशन इन इंडिया. और ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने किया है, जितना मेरे बस में है अब तक तो उतना मैंने जी किया है. इसके अलावा जैसे जैसे मेरा रीच बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरी खुद की हैसियत बढ़ेगी, मैं ये चाहती हूँ एंड ऑफ द डे तक मेरा एक ऐसा एनजीओ जहाँ पे कि मैं बहुत लोगों को कैंसर के फ्री ट्रीटमेंट दे सकूँ. और वो एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे बोल देना बहुत बहुत ईजी बढ़िया। है लेकिन करने में मुझे पता है इट विल टेक ईयर्स. एक दिन में वो नहीं होने वाला है. पहले
प्रेजेंट नहीं हो एक जस्ट एक सकता। मीडियम है कि मैं जस्ट कर पाऊँ, उसके अलावा ये मेरा साइड में भी अपना चल रहा है। प्रेजेंट इज लाइक उसको बूस्ट करेगा, मेरा जो मोटिव है उसको बूस्ट करेगा कि हाँ इसको अब हम जानते हैं। सो व्हेन व्हेन यू नो समवन, जब आप उससे कनेक्ट कर पाते हो तो आप सोचते भी कि अच्छा ये कैंसर के लिए कर रही है तो चलो हम भी करते हैं, तो वो चीज आती है दिमाग में। सो ये है मेरा एक। अच्छा, आप एक लंबे मुहिम पर निकली हैं, और जो भी लोग, जैसे मैं अपना पर्सनल अगर आपके साथ शेयर करूं, तो जो लोग आपके साथ प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं इस एनजीओ को लेकर या फिर इस मकसद को लेकर, वो कैसे जुड़ेंगे? तो मैं इंस्टाग्राम में हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं devina.astrol से। और इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी भी है जिसमें, जो कि प्रोफेशनल आईडी है जिसमें कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कैंसर में डोनेट करना है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है। तो अभी मैं एक दूसरे एनजीओ से लगी हुई हूँ, वहाँ पे सिर्फ कैंसर ही नहीं, वहाँ बहुत अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो कि मेंटली भी ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। और अगर आप वहाँ एक बार जाएंगे ना, आपको लगेगा कि हमारे पास ऑलरेडी जितना है हम बहुत ब्लेस्ड है। लाइक वहाँ उन लोगों के पास उतना भी नहीं है जितना हम लोग के पास है। तो अगर आप 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000, कितना भी आपको ठीक लगे, अगर आप उनको कर पाओ, एक टाइप का अगर मील ले पाओ, बहुत बड़ी बात होगी। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशनली इंस्टाग्राम पे और प्रोफेशनल जीमेल आईडी। अच्छा, आप एक प्रेजेंट के फाइनलिस्ट हो, तो इसका जो फिनाले है वो कब और कहाँ पे हो रहा है? हाँ, तो मैं अभी आने वाले टाइम पे, आने वाले हफ्ते में एक्चुअली, फ्रॉम 10 to 13 August दिल्ली में होने वाला है ये मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस। और ये एक पैजेंट है जो कि आपको, अगर आप जीते हो तो आप मिसेस यूनिवर्स या मिसेस अर्थ या मिसेस यूनाइटेड नेशंस वुमेन ऑफ द यूनिवर्स में आपको भेजेगा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कर। सो एंड इट्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन, बहुत कुछ है उसमें, ट्रेडिशनल वेयर राउंड है, फिटनेस राउंड है, देन टैलेंट राउंड है। सो बहुत कुछ है वहां पर, आपको एक एक राउंड में अपना बेस्ट देना है एंड देन आप जीत सकते। अच्छा, कहा जाता है ना कि खास तौर पे इंडिया में, कि जब शादी होने के बाद जो लड़कियां हैं वो बहू होती हैं, तो फिर वो बंद जाती हैं, वो किचन तक सीमित होती हैं। लेकिन आप जो है किचन के साथ साथ फैमिली को, साथ साथ बच्चों को लेकर, बावजूद भी सब हर एक परिस्थिति का फेस करते हुए आप एक मुकाम पे हो, तो बाकी उन वैसी सोच वाली महिलाओं को क्या बताएंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो सिर्फ किचन तक सीमित है? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आपके कोई भी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे। तो कहते हैं ना, बिल्कुल भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो पहले बिल्कुल आपको बोलना होगा कि मुझे ये करना है और आपको उस पे स्टिक रहना होगा। लाइक आपको उसको, उसी को मान के चलना होगा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो अगर आप अभी कुछ भी मुझे बोल रहे हो कि नहीं ये है वो है, आप रास्ता दिखाओ उनको कि नहीं मैं उसके साथ ये भी कर लूंगी। तो वो आपको, वो स्टैंड आपको लेना होगा। तो आई कैन एक्सेप्ट कि मेरे को मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे फैमिली से। पहले नहीं मिला जब शादी के पहले, लेकिन उसके बाद मुझे मेरी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक आई हूँ। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन शुरुआत मैंने की, मैंने रखा कि मुझे ही करना है, बिकॉज कोई जानता भी नहीं था कि अच्छा ये शादी के बाद भी इसकी ड्रीम है, मतलब ये करना चाहती है। सो वो मैंने खुद को रखा, खुद को बोलना होगा, आपको खुद को अपने ड्रीम को फॉलो करना होगा। मैं नहीं बोल रही किसी को देख के करो कि जैसे मैं कर रही हूँ ये, तो चलो मैं भी पेजेंट्री करती हूँ, चलो कोई सोचे कि मैं भी पेजेंट्री करती हूँ, वो नहीं करना है। आपका जो खुद का ड्रीम है आप उसको लेके सोचो कि हाँ मुझे करना है। आपको ये मत सोचो कि शादी होगी तो मैं नहीं कर सकती। लड़कियां हर चीज मैनेज कर सकती है, मैंने ये देखा, हर चीज, चाहे वो घर देखे, बाहर का देखे, एवरीथिंग शी कैन मैनेज। कोई उसके रास्ते के सामने नहीं आ सकता वंस शी डिसाइडेड कि मुझे करना है। अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रही है तो कोई भी उसको कितना भी सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, कोई एस्ट्रोलॉजी भी बोल दे कि हाँ तुम बन जाओगी, लेकिन तुम्हें खुद में वो कॉन्फिडेंस लाना होगा, खुद में बोलना होगा, और उसके बाद लोग जरूर तुम्हारे साथ आएंगे। अच्छा, डेवलिना की एक सवाल है कि आपने कहा कि फैमिली वालों का बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन फैमिली में वो कौन है जो हर एक विपरीत परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे? कोई कहा जाता है कि सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई तो होता है भाई, किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे किनका हाथ रहा जो हर एक विपरीत परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे? तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं जो प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे मैंने भगवत गीता पढ़ा था और कई बार पढ़ा था, तो उसी से मेरे को स्ट्रेंथ मिला कि हाँ
मुझे ये करना चाहिए, जो आपको चाहिए, जो आपका हक की चीज है, जो भी आपके सपने हैं उसके लिए आपको बोलना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, और आपको भी खुद को भी नहीं रुकना चाहिए। ये सब मैंने पढ़ा था जब मैं प्रेग्नेंट थी, और इन सब ने मेरे को बहुत स्ट्रेंथ दिया आगे चल के बोलने का। उसके बाद जब मैं मदरहुड फेज में गई, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मदरहुड फेज ऐसा है जिसने कि मुझे स्ट्रेंथ दी हर टाइम। लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद हम कर नहीं सकते, बट दैट इज सो नॉट ट्रू। मुझे मेरे बच्चे ने ही स्ट्रेंथ दी है। वो इतना कोऑपरेटिव, वो इतना समझदार है, और मैं उसे हर एक बात बताती हूँ। वो अभी 4 साल का है, बट स्टिल मैं उसे हर एक बात बताती हूँ कि तुम्हें मामा को कोऑपरेटिव करना है। तो इससे क्या हो रहा है, वो मुझे तो करने दे ही रहा है, लेकिन उसके आगे की सोच भी बन रही है कि हाँ, जो लड़कियां हैं वो अपने ड्रीम्स को चेस करती है, नो मैटर व्हाट, शादी हुई नहीं हुई। तो इसके साथ उसका जो अपना फ्यूचर है ना, वो भी, ही इज बिकमिंग गुड पर्सन, ही इज बिकमिंग गुड सोल। कि मेरी सोच ऐसी है कि मेरे लिए लड़का लड़की कोई नहीं है, सबको अगर अपना प्रोफेशन करना है तो वो कर सकता है। सो इफ यू आस्क मी कि कौन एक पर्सन जो मेरे साथ रहे, दैट इज माई किड। क्योंकि जनरली माँ ऑलवेज सोचती है कि बच्चे को खाना देना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के साथ रहना है, बट मेरा बच्चा इतना कोऑपरेटिव है, वो हर टाइम पे उसने मुझे मेंटल पीस दी है आराम से, कि करो, मैं यहाँ पे आराम से हूँ। अगर मैं अभी तो मेरे यहाँ पे नहीं है वो, अगर वो मेरे साइड में भी होता ना, तो भी वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे इस डिस्टर्ब नहीं इंटरव्यू करता। में। वाह, बच्चा सो वो आराम से रहता। सो होता ही या सो ही इज रियली कोऑपरेटिव, और बहुत ज्यादा मैं उसको 90% श्रेय उसको दूंगी कि हाँ, उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक आई हूँ। है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हो, कितना इंडिया को कितना मिस करती हो, क्योंकि इंडिया को बहुत रिप्रेजेंट कर रही हो। दूसरी बड़ी बात कि आपके एक बच्चे भी हैं, तो उन्हें भी इंडिया के बारे में बताती होंगी, यहाँ के जो सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में बताती होंगी, कितना मिस करती है इंडिया को। बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना स्पेशली, आई एम फूडी, और मुझे तो मतलब खाना कहीं भी चले जाते, मैंने बहुत जगह घूमा है, यूरोप, स्विट्जरलैंड, देन यूएस, हर जगह पे गई हूँ, लेकिन इस तरह का खाना, जो इंडिया का जो खाना है, वैसा खाना तो मतलब कहीं भी नहीं मिलता है। तो यहाँ का खाना, अच्छा 1 मिनट, ये वाला फिर से ले सकते क्या? ओके 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 हाँ, ये वाला कट करके फिर से, क्योंकि मैंने कुछ गलत बोल दिया ओके इसमें। ठीक है, ओके, कोई कट नहीं। कर। ओके, फिर से आप पूछिए क्वेश्चन। ओके, अच्छा इंडिया को कितना मिस करती हो, जो कि एक बच्चे भी हैं, उनको इंडिया के बारे में बताती होंगी, यहाँ की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के बारे में, तो कितना ज्यादा इंडिया को आप मिस कर पाती हैं। सो इंडिया को मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब आप हैं तो ऑफकोर्स आपको अपने इंडियन लोग भी आसपास दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो इंडिया का वो फील, वो हवा, वो खाना, वो पहनावा, वो कल्चर, वैसा तो वहाँ नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। और मैं अपने बच्चों को एक एक चीज सिखाती हूँ कि हर एक पूजा, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, जन्माष्टमी हो, हर चीज में सेलिब्रेट करती हूँ उसको। ट्रेडिशनल वेयर क्या होता है, किस तरह पूजा करते हैं इंडियंस, क्या खाना होता है। सो जनरली बाहर के लोग ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, बट हम इंडियंस तो बहुत स्पाइसी खाते हैं। तो जब भी खाता बहुत है ज्यादा लाइक, मामा इट्स टू स्पाइसी, यू आर इंडियन, तुमको खाना होगा, तो तुम सीख लो भाई। क्योंकि अभी तुम नानी दादी के घर जाओगे, वहां बोलोगे कि स्पाइसी है, मैं नहीं खा सकता, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हाँ, मैं ऐसे हर चीज सिखाती हूँ। और इंडिया के लोग, स्पेशली मैं इंडिया के लोगों को मिस करती हूँ, क्योंकि वहां पे एक बहुत अपनापन है। जहाँ भी हम जाते हैं, किसी शॉप में गए या कहीं भी गए, तो वो चीज बहुत मिस करती हूँ। विदेश के लोग काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, वो 24x7 इतना व्यस्त रहते हैं कि अपनों को समय नहीं पाते, ऐसा है क्या? ओके, मैं ना फिर से सुन नहीं पाई ये क्वेश्चन। नहीं, कहा जाता है कि विदेश के लोग जो है बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, 24x7 अपने को समय नहीं दे पाते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। क्या आपको ऐसा कभी लगा है, या आप कभी, आपके साथ कभी ऐसा होता है? ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। मैं ऐसी हूँ कि मेरे लिए प्रायोरिटीज बहुत सेट है। मुझे मेरे फैमिली को टाइम देना है, मुझे मेरे करियर को टाइम देना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को टाइम देना है, और वो किसी भी तरह देना है। तो मैं खुद पे स्ट्रेस नहीं लेती। आज सुबह मैं 4 बजे से उठ जाती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं हर दिन इक्वल टाइम सबको दे पाऊँ, क्योंकि सबका अलग अलग रोल है हमारी लाइफ में, एंड वी कैन नॉट टेक एनी वन फॉर ग्रांटेड कि वो है ही, उधर रहेंगे, चलो एक दिन कॉल नहीं किया, एक दिन बात नहीं किया तो क्या हुआ। तो भी ठीक है अगर नहीं भी किया तो, लेकिन मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी ऐसी मेंटालिटी है कि मैं हर किसी को इक्वल टाइम देती हूँ, क्योंकि मुझे जरूर, उनसे ज्यादा मुझे जरूरत है। तो हाँ, मैं तो देती हूँ पूरा टाइम।
चलिए डेवलिना, इस तरह इस वीडियो को, इस बातचीत को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। और आज की तारीख में जो भी लोग देख रहे हैं, और खासतौर पे हम पर्सनली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई इंडिया, और कहा जाता है कि इंडिया जो है ना विदेशों में हर एक जगह पे जाकर झंडा फहराता है, अपना लहराता है। और यस आप पे इस एब्सोल्युटली बात की प्रमाण है, प्रूफ है लोगों के सामने कि भाई देख लीजिए। और खासतौर पे उन महिलाओं के बारे में हम जरूर कहना चाहेंगे कि जो सोचती है कि भाई किचन तक ही उनकी जिंदगी है, तो इनको देखना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने बताया कई बात कि कैसे आप क्या कुछ कर सकती हैं। सिर्फ कोई हेल्प करे तभी आप आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर आपकी सोच आगे बढ़ने की है यस तो भगवान भी आपको मदद करने के लिए नीचे यस आ जाएगा। आपको रखनी होगी अपनी बात। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैं आजकल जो ज्यादा देख रही हूँ, मोस्टली लड़कियों को खुद पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं हो पा रहा है कि वो कर पाएंगी। मुझे नहीं पता वो क्यों। बहुत लड़कियां ऐसी भी है जो कि बहुत अच्छा कर रही है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, बट मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो कि बिलीव नहीं कर पाती है अपने ऊपर या फिर अपने ड्रीम के ऊपर। वो सिर्फ दूसरों को फॉलो करने में लगी हुई है कि वो ये कर रही है तो मैं भी ये कर दूंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिर आपका अपना लाइफ पाथ नहीं बन पाएगा। फिर आप लोग बैठे रहोगे कि अच्छा नेक्स्ट वो क्या करेगी, देन मैं करूंगी। सो ना, आप अपना ड्रीम चुनिए, आप अपना लाइफ चुनिए, आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए, एंड देन वो सबसे अलग दिखेगा, वो सबसे यूनिक होगा। बी द वेरी फर्स्ट एंड ओरिजिनल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड टू बी द फर्स्ट देवी नसरकार। तो चलिए, किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। एक बड़ी बात कॉपी इन्होंने नहीं बताई कि करना, कॉपी नहीं, यस दूसरे के रास्ते पर नहीं, यस खुद का रास्ता खुद का खुद रास्ता बनाइए, चुनो। तभी एक मुकाम पे पहुंच हर पाएंगे किसी आप। में टैलेंट है, मैंने जितना देखा है अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में, सबको, हर एक लड़की नहीं लड़के में भी हर किसी में टैलेंट है। इट्स जस्ट दैट तुम उसको देखो और उस पर काम करो, यानी कि वो ये कर रहा है तो चलो मैं भी वो कर देती हूँ। फिर इसे तुम्हारा लाइफ क्या, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, वो किसी को नहीं दिख रही। यू विल बी दिस द कॉपीड वर्जन ऑफ समवन एल्स, व्हिच इज नॉट, व्हिच डजंट लुक गुड एट ऑल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपको। और जो भी लोग देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखें। और इनसे जुड़ने के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया, इंस्टाग्राम की आईडी बताया कि आप वहां पे जाकर आप इनसे प्रोफेशनली जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, इनको मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरी कंट्री को, जो इनकी सोच है वो काफी महान है, और हम जैसे लोगों के लिए, खासतौर पे जो हमारे यहाँ एक माहौल है कैंसर को लेकर, कि भाई कैंसर मतलब लोग उसके बारे में क्या क्या नहीं सोच लेते हैं, तो वैसे लोगों के लिए एक भगवान के तौर पर ये हम, मेरे सामने तो यही है कि भाई लोगों को फ्री में जब जितना हो पाता उतना करती हैं। तो ऐसे सोच वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और मैं ऐसे उम्मीद करते हूँ कि इनके सोच से जो लोग देख रहे हैं उनकी भी सोच जो है वो मिले और आगे चल के उस तरह के प्रयास भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू।